लेकर दो बच्चों में जमकर चले लाठी और डंडे। वही घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना की तहरीर पर पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। मामला इलाहाबाद के झूरी इलाके के मल्लावा खुर्द का है। इलाहाबाद के झूरी इलाके में शकील अहमद नाम का युवक अपना मकान बनवा रहा था। उसी दौरान मकान बनवाने के लिए गिट्टी को पड़ोस के दरवाजे पर गिरा गया, जिसके बाद पड़ोस ने गिट्टी को अपने दरवाजे से तुरंत हटाने को कहा। गिट्टी हटाने की बात पर इतने में गिट्टी नहीं हटी तो पड़ोस के रहने वाले अनीस और उसका भाई गिट्टी गिरवाने वाले शकील पर टूट पड़े। देखते ही देखते लात घूसों के साथ लाठी डंडे तो चलने लगे। शकील की ओर से मजदूर उसको बचाने के लिए दौड़े तो मजदूर को भी लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी गई। इसी दौरान वहीं पर खड़े एक शख्स ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ना कोई रहम ना कोई इंसानियत, लाठी डंडे इस कदर चलाए जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति की जान भी चली जा सकती है। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए लाठी डंडे मानो इस कदर चलाए जा रहे हैं कि इंसानियत खत्म हो गई हो। क्या हुआ था यहाँ पे? रास्ते को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस आई थी और दोनों पक्षों में लाठी डंडा चला और दोनों पक्षों को पुलिस वहाँ ले गई थाने और अस्पताल वहाँ से भेज दिया गया। पेश है इलाहाबाद से हमारे संवाददाता ललित सोनी की खास रिपोर्ट।